मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। ये पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जातीय तौर पर ये विविधताओं से भरा देश है, जिसमें 300 से ज्यादा स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता है। ग्रामीण शिकारियों और घुमंतुओं से लेकर आधुनिक शहरी अभिजात्य वर्ग तक का बसेरा है इंडोनेशिया में। किसी और देश की तुलना में सबसे ज्यादा द्वीप हैं, 14,000 से भी ज्यादा। इसकी अनुमानित जनसंख्या 25.5 करोड़ से ज्यादा है और ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया को मुस्लिम देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की करीब 87 से 88% आबादी मुस्लिम है। रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ करीब 231 मिलियन मुस्लिम रहते हैं, जो किसी एक देश में सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इंडोनेशिया में ही रहता है, लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का भी काफी प्रभाव है, जबकि उनकी संख्या काफी कम है। हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि लोग यहाँ हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम हिंदू नाम रखना पसंद करते हैं। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोर्स आइलैंड, जो नुसा तिनगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग मबारू न्यांग कहते हैं। यह घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लोनटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गाँव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे यह लोग लुतुर या टेंट कहा जाता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को यह लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लेम्पाराय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में पांचवा और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हेकांग कोड़े कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेयरबो गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक घर और है, जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेयरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है, और यह लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वेयरबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी यह लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किमी दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वे रेबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वे रेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना, तो वह यहां टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को
एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेयरबो विलेज को विजिट करना ना भूले। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेयरबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेयरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पुमारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहां उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमें। यकीन मानिए, यहां इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होंगे आप। नंबर 1 पर माउंट ब्रोमो। इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो का आता है। यह इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह पर संगमरमर से उठते धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। माउंट ब्रोमो में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 2, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरोस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में एक है। यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पैने होते हैं। नंबर 3, चावलों के पार्क। बाली द्वीप इंडोनेशिया की खूबसूरत जगहों में एक है। इंडोनेशिया का मुख्य भोजन होने के साथ ही चावल यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने में भी खास भूमिका निभाता है। पहाड़ियों और ढलानों की ढलानों पर व्यवस्थित लहरदार चावलों की खेती पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बाली द्वीप पर नाइट लाइफ भी पर्यटकों को बहुत भाती है। नंबर 4, पारंपरिक गांव तनाटोराजा। इंडोनेशिया के दक्षिणी सुलावेसी प्रांत में स्थित एक पहाड़ी है। यह यहां पर पर्यटकों का लोकप्रिय और शांति इलाका है। पहाड़ों के बीच के इस सांस्कृतिक द्वीप की सुंदरता अद्वितीय है। तनाटोराजा अपनी समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक गांवों और आकर्षक समारोहों के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडोनेशिया आकर अगर यहाँ न घूमा जाए तो इंडोनेशिया की यात्रा अधूरी ही लगेगी। नंबर 5, समुद्री पार्क। इंडोनेशिया का राजा अम्पैट द्वीप गोताखोरी के लिए जाना जाता है। यह सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसके लिए अपनी पहचान बना चुका है। राजा अम्पैट इंडोनेशिया में सबसे बड़ा समुद्री पार्क के रूप में फेमस है। इसमें 1000 से ज्यादा प्रजाति की मछलियां, कछुए, शैवाल और सैकड़ों प्रजाति के मूंगा आदि पाए जाते हैं। ऐसे में समुद्री गोताखोरी करने वालों के लिए यह जगह अच्छी है। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।